अस्सलामुअलैकुम, मैं वहाँ मैराथन से यहाँ चाइना टाउन पहुँच चुका हूँ, ग्रांड स्ट्रीट पे। यहाँ पर तमाम चाइनीज लोग रहते हैं, इनकी होटलें हैं, इनकी कारोबार है, बिजनेस है। तो ये चाइना टाउन मैं आपको आज विजिट करा रहा हूँ। अभी मैं ये सबवे से, इस सबवे से मैं अभी आया हूँ और ऊपर रोड की तरफ आया हूँ। तो ये देखिए, ये सारा चाइनीज में लिखा हुआ है। चाइनीज की तारीख बहुत लंबी है, पुरानी है। यहाँ पर ये काफ़ी देर से आबाद है, तकरीबन 1800 सन 1800 में यहाँ ये लोग आए थे रेफ्यूजीज की तरफ से। और अब तो माशाल्लाह यहाँ पे इनके टाउन बन गए हैं। सिर्फ न्यूयॉर्क में ही यहाँ पर इनके 12 टाउन हैं, 12 टाउन सिर्फ ये हैं। और पूरे अमेरिका में तो खैर बेशुमार है, अमेरिका खुद एक 50 मुल्कों का कंबाइंड मुल्क है। तो ये तो सिर्फ न्यूयॉर्क में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जो यहाँ का जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट जो है एरिया, वो ये है, खास जो है जिसको कहते हैं। मैं इस ग्रांड स्ट्रीट पे पहुँच चुका हूँ। तो ये देखिए, चाइनीज लोग जो है ये वेजिटेबल सब्जियां वगैरह सब सेल कर रहे हैं, कपड़े सेल कर रहे हैं। फोन लिखा हुआ ये सब चीज का, क्यू नंबर जो है $3 pound है यहाँ। और ये और चीजें हैं, सी फूड इनका बहुत मशहूर है, सब चीज चाइनीज लेके सेल कर रहे हैं, लेडीज वगैरह। और ये फुटपाथ पे भी चीजें सेल हो रही हैं इनकी, चाइनीज की। ज्यादा तो ये फिश वगैरह का तो ज्यादातर है, जैसा हर चीज खाते हैं ये तो फिश का, सारे जानवर वगैरह सब खा लेते हैं। ये देखें, ये सर्दियों के लिए सब चीजें। ये देखें, ये इनका मछली और फिश और ये सब सारी चीजें सब खा जाते हैं ये लोग, तो ना जितने। ये देखें फिश और सब चीजें। और ये देखिए, ये जिंदा जिंदा है फिश, जिंदा मछली है, जिंदा है सब फिश। इसके बाद आप इसको परचेज करें और यहीं लगवाएं और यहाँ से ले लेंगे सारे। ये रेस्टोरेंट है यहाँ का इनका चाइनीज का, देखिए। आपको चाइना टाउन का दौरा करा रहा हूँ मैं। देखिए, मैं आपको जो है ना, यहाँ हेस्टर स्ट्रीट गिलाती है और हेस्टर स्ट्रीट के पास ये इंट्री, मैं आपको लिटिल इटली की भी बता दूँ। देखिए, ये लिटिल इटली है, ये इटली के लोग हैं सारे यहाँ पे, इटली का बिजनेस, इटली का कारोबार, इटली का रेस्टोरेंट, ग्रोसरी सब लोगों के, इटालियन लोग जो है वो यहाँ पर है ज़्यादातर। ये पूरा इनका लिटिल इटली के नाम से मशहूर है इनका एरिया। इसकी एक सेपरेट बनाऊंगा अभी वीडियो, अभी तो मैं आपको चाइना टाउन का ही विजिट कराता हूँ। ये पोर्शन चाइना टाउन का है। कारोबार और ग्रोसरी स्टोर्स और ये सब चाइनीज का दिखे।
सिंगाई रेस्टोरेंट भी है, ग्रोसरी स्टोर। ये लोगों ने चाइनीज़ की एक बड़ी बात है कि अपनी ज़बान और अपने कल्चर को ये भूलते नहीं हैं। देखिए जहाँ भी जाएं अपने साइन बोर्ड वगैरह इन्होंने चाइनीज़ ज़बान में लिखवाए हैं, इंग्लिश भी है मगर चाइनीज़ को भी प्रमोट करते हैं। करना भी चाहिए इंसान को, अपनी लैंग्वेज को अपनी ज़बान को प्रमोट करना चाहिए। अब मैं चाइना टाउन की एक ऐसी जगह पे आपको लेके आ रहा हूँ जो कि बहुत ही मशहूर है और बहुत ही ख़तरनाक जगह है। यहाँ गैंग वार का कब्ज़ा हुआ करता था आज से 100 साल पहले, और यहाँ आना भी बड़ा ही ख़तरनाक होता था। ये डॉयर स्ट्रीट के नाम से है ये, और कई फिल्मों की शूटिंगें भी यहाँ हुई है। ये स्ट्रीट है और ब्लडी एंगल्स के नाम से ये जगह मशहूर है। यहाँ अंदर आना बड़ा ख़तरनाक था और ये ब्लडी ईगल्स के नाम से जगह को पहचाना जाता है। ये स्ट्रीट को एक बहुत ही ख़तरनाक जगह है यहाँ, और गैंग माफिया यहाँ पे रहते थे और इनके आपस में लड़ाई होती थी। तो इसी स्ट्रीट पे यहाँ पे डोयर स्ट्रीट के नाम से ये जगह मशहूर है, जो कि मैंने इसको बाकायदा स्टडी किया, उससे इंसाइक्लोपीडिया से गूगल से इस स्ट्रीट को लिखा ढूंढा और मैप के जरिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। यहाँ पे ये खतरनाक तरीन जगह, कई लोगों का ये यहाँ पे कत्ल होता था, मार दिया जाता था, और यहाँ आना बहुत ही डेंजरस था इस एरिया में। अभी तो बड़ा पीसफुल है, ये बिल्डिंग है देखें, यहाँ ही ये माफिया हजरात जो है यहाँ थे, रहते थे, और डोयर स्ट्रीट के नाम से मशहूर है ये जगह। इन बिल्डिंगों में इनका कब्जा था। आज तो बड़े आराम से यहाँ हम लोग घूम रहे हैं, और मगर अगर आपको ये ओरिजिनल लोकेशन बहुत सी फिल्मों में इस्तेमाल हुआ है। ईयर ऑफ द ड्रैगन 1985 में बनी है, पाई 1998 में बनी है, नाइन एंड हाफ वीक 1986 में बनी है, एलिस 1990 में बनी है। ये 11 तो फिल्में बड़ी ज़रूरी है जो देखनी है आपको। किंग ऑफ न्यूयॉर्क 1990 में बनी, ओल्ड बॉय 2013 में बनी है, इसी लोकेशन पे और शूटिंगें हुई हैं बहुत। अभी जोकर जो है करण में बहुत मशहूर फिल्म, वो अभी बनी है। गॉड फादर की शूटिंग भी इसी चाइना टाउन में हुई है। मगर ये स्ट्रीट देखे भी तो रोड पे ये लोग खा रहे हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, मगर ये बड़ी ख़तरनाक स्ट्रीट मानी जाती थी, और यहाँ ये माफिया लोगों का कब्जा था इन्हीं बिल्डिंगों में, और बेशुमार लोग यहाँ कत्ल हुए हैं। ब्लडी एंगल्स के नाम से, खूनी फरिश्ता के नाम से ये जगह याद की जाती है, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। बहुत ही न्यूयॉर्क आए तो इसको ज़रूर आप विजिट करें, देखें। आना जो है ना अंदर ख़तरनाक था। अगर आपको डोयर स्ट्रीट का आप नाम जो है गूगल में या यूट्यूब पे डालें इसकी, तो फिर और इसके बारे में आप वीडियो खुद देखें कि कितनी ख़तरनाक ये जगह ये स्ट्रीट थी, कितना ख़तरनाक डेंजरस तरीन इलाका था ये। आज मैं आपको ये ख़ास जगह पे भी दिखाने लाया हूँ, चाइना टाउन का विज़िट करा रहा हूँ। देखे चाइना टाउन
गूगल मैप से मैंने अभी ये चाइना टाउन का एड्रेस निकाला और मैं पहुंचा हुआ। न्यूयॉर्क का चाइना टाउन और न्यूयॉर्क में तो चाइना टाउन से 12 बन गए, मगर ओरिजिनल चाइना टाउन जो है वो ये है। यहाँ से शुरू हुआ है इनका सारा रेफ्यूजीज के तौर पे जो 1800 में बुलाए थे। और ये जो अंदर में आपको ले गया था, बड़े यहाँ गैंग बड़े मशहूर थे। यहाँ में थिएटर भी जो हुआ करता था उस दौर में, जिसमें गोलियां चली थी और मारा था गैंग में आपस में लड़ाई में, बाउरी स्ट्रीट, ये सब बड़ी मशहूर यानी चाइना टाउन की जगह है। मैं इसलिए छोटे छोटे क्लिप बना रहा हूँ कि हमारा बांजा जो है हाफिज गुलाम मुस्तफा फरीदी, वो कहता है कि लॉन्ग लॉन्ग ना बनाया करें ताकि एडिटिंग में इनको प्रॉब्लम होता है। कराची में ये यहाँ से मैं बना के बेचता हूँ। और हमारे हाफिज साहब, ये चाइना टाउन में एरिया जो है ना, लिटिल इटली का एरिया है बीच में, तो मैंने कहा था ना कि बिल्कुल ये नेबरहुड में ही इटली है, लिटिल इटली। तो ये इटली के लोग हैं ज़्यादातर यहाँ पे, देखिए सब इटली का कल्चर है, इटली का खाना है, इटली के रेस्टोरेंट है। मुझे सेपरेट लेके जाना था, मगर चूँकि मैंने स्ट्रीट यही चूज़ की तो मैं यहाँ लेके आ गया। किसी वक्त जो है इसका इटली का भी मैं आपको अलग वीडियो बना के दूंगा। कैफे नेपोली, इटालियन लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम, अभी मैं आपको यहाँ लाया हूँ। ये मूड स्ट्रीट है, मूड स्ट्रीट बड़ी मशहूर है, यहाँ भी चाइनीज़ की बहुत सारी शॉप्स हैं। बहुत बड़ा एरिया है, मगर मैं आपको ख़ास खास जगह पे ले जाता हूँ। यहाँ इसलिए भी वीडियो बनाया है कि एक मेरे पास कराची में एक अभी भी एक मेरे पास वेस्पा है जो 40 साल से मेरे पास है अभी भी, और बस इसको तो रिपेयर करा लो और एज इट इज़ बन जाता है। तो यहाँ ये वेस्पा देख के बड़ा दिल खुश हुआ, तो मेरा वेस्पा भी मेरे भाई ने वहाँ तैयार कर लिया है। अभी दिसंबर में हम जाना है वहाँ पे, भतीजे की शादी है, भांजी की शादी है, तो मैंने वहाँ कहा कि भाई मेरा वेस्पा निकालो और उसे तैयार करो। वो भी इसी तरह खूबसूरत बना दिया है भाई ने मेरे, तो वो इंशाल्लाह कराची में घूमेंगे उस वेस्पा पे। ज़िंदगी वहीं गुजारी है, अमरीका में तो अभी 2-3 साल हुए आए हुए हैं यहाँ पर, बच्चे तो 5-6 साल से यहाँ पर है। अल्लाह की फजल से बहुत सेट है, ग्रेजुएशन वगैरह सब कर लिया, अच्छी जगह पर काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। देखे रिटायरमेंट के बाद आए तो मैंने सोचा कि चलें आप यहाँ भी, जब आज यहाँ भी ऑफिस मेरा ऑफ था आज, तो सोचा कि चलें आज चाइना टाउन की तरफ चलते हैं। तो ये मोड स्ट्रीट के नाम से है जगह, ये आपको दिखाइए, तो मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रीट। ये पूरे चाइनीज़ की है, यहाँ पे बिल्डिंगों में देखें चाइन, ये मार्केट स्ट्रीट है और इसमें लिखा है द फर्स्ट चाइनीज प्रेस्बिटेरियन चर्च। होमलेस लोग जो होते हैं, जो यहाँ पे जिनके घर नहीं होते, यहाँ पे देखें ऐसे जिंदगी गुजारते हैं। लोग कुछ ना कुछ इनको दे देते हैं, गुर्बत तो हर जगह है, तो एक ऐसे आदमी कहेंगे कि किसी दिन पे नहीं है।
उतर रही हैं। प्ले एरिया है ये, चाइनीज टाउन में प्ले एरिया है ये। मलबेरी स्टेट है सकती है। ये देखिए बड़ी जो खूबसूरत जगह नज़र आ रही है आपको, ऊपर जैसे देखें गुंबद जैसा बना हुआ है, ये HSBC बैंक है, ये हांगकांग सिंगाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। इसमें मेरे बेटे ने भी ऑडिट ऑफिसर के तौर पे काम किया है, और मगर ये भी खैर न्यूयॉर्क में चाइना टाउन है, मगर मेरे बेटा मैनहट्टन में था उस बैंक में। ये जगह आप देखें इस बैंक में, चाइना टाउन का ये भी व्यू देखें आप, TD बैंक। चलें भाई मैं रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ, चलते हैं फिर। शाम होते ही न्यूयॉर्क की जगमगाती रोशनियाँ चकाचूर कर देती हैं आँखों को। अभी तो 6 बजे हैं, देखें माशाल्लाह तिलावत हो रही है कुरान की, माशाल्लाह। बेशुमार सिनेमा थिएटर यहाँ पर है, ब्लैक एडम 21 अक्टूबर से सिनेमा। दिन भी यहाँ पे ये ड्रामा चल रहा है, कई 2 साल से तो मैं देखा हूँ। सब गए यहाँ ट्रेन जगाने का, टाइम स्क्वायर पे